गोसाईगंज में पंचायत चुनाव पूरे सबाब पर है। यहाँ पर 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। समय काफी कम बचा है, ऐसे में प्रत्याशी दिन रात एक कर दिए हैं। पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दिया है। प्रशासन की तरफ से चुनाव चिन्ह वितरित किया जा चुका है। ऐसे में प्रत्याशियों का पूरा ध्यान अब केवल कटिया लगाकर वोट बटोरने में लग गया है। जो प्रत्याशी जितनी शार्प टेक्निक से कटिया सेट कर लिया, वोटरों की संख्या उतनी जल्दी उसकी झोली में जा गिरी। बात गोसाईगंज नगर पंचायत की करें तो यहां पर अध्यक्ष पद का ताज मिलने में कसौधन समाज की निर्णायक भूमिका होती है। ऐसा बताया जाता है कि वोट पड़ने के एक दिन पहले फतवा जारी हो जाता है, जिससे कसौधन बिरादरी के मतदाता एक ही प्रत्याशी को एक मुश्त मतदान करके मनचाहा अध्यक्ष बना लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कसौधन समाज के वोटरों का समर्थन इस बार कहां जा रहा है, लेकिन इसके पहले हम आपको बताएंगे कि इस बार गोसाईगंज के मतदाता किस तरह के नगर पंचायत अध्यक्ष की अपेक्षा कर रहे हैं। गोसाईगंज में इस बार भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस ने अपना सिंबल देकर प्रत्याशी उतार दिया है। कुल मिलाकर अध्यक्ष पद के लिए 2 निर्दल प्रत्याशी सहित कुल 6 दावेदार मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी विजयी का ताज पहनने के लिए बेताब हैं और दिन रात एक कर दिए हैं। इस बार यहां का मतदाता किसी ऐसे प्रत्याशी की तलाश में है जो नगर का बेहतर विकास करने के साथ ही जनता के सुख दुख को समझ सके। चूंकि इस बार यहां की सीट महिला ओबीसी है, इसलिए यहां की जनता चाहती है कि नगर की बागडोर किसी पढ़ी लिखी महिला के हाथ में जाए। महिला शिक्षित होगी तो वह पति के हाथों की कठपुतली बनने के बजाय स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगी। बात कसौधन समाज की करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मतदाता यहां इसी बिरादरी के हैं, इसीलिए सभी प्रत्याशी कसौधन समाज के वोटरों पर टकटकी लगाए बैठे हैं। न्यूज 524 ने कसौधन समाज के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की नब्ज को टटोला बताया गया कि कसौधन बिरादरी का वोट इस बार कटता हुआ नजर आ रहा है। सपा ने कसौधन प्रत्याशी उतार कर कसौधन कार्ड खेला है, इसलिए उसे फायदा मिलना लाजमी है। बताया जाता है कि बीजेपी भी इस बार कसौधन वोट बटोरने में सफल होती दिख रही है। वहीं निर्दल प्रत्याशी हनुमान सोनी के साथ भी कसौधन समाज के लोग देखे जाते हैं। दूसरी तरफ यह जानकर कहना है कि कसौधन समाज अभी प्रत्याशियों को समझ रहा है। मतदान की तारीख 11 मई से पहले समाज की एक मीटिंग होगी, उसके बाद एक मुश्त ठप्पा लगेगा। अब कसौधन समाज का वोट एक मुश्त जाएगा कि कई भागों में बटेगा, या तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे पंचायत चुनाव की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।